Assalamu alaikum. My name is Param. I am Harman. I am Manjul. Welcome back to our channel, guys. So guys, आप सोच रहे होंगे ये कौन बैठा है हमारे साथ, ये हरमन ही है. आज इसने कुछ अलग ही पहना है. मैंने बोला पहन ले भाई, अच्छी बात है एंड अच्छा लग रहा है. वैसे इसने टर्किश बंदा बना हुआ है ये थोड़ा, बट ठीक है, अच्छी बात है. एंड आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज कुरान एंड डायनमिक साइंस. मतलब ऑफकोर्स सबको ये चीज़ पता है कि जो चीज़ कुरान में अल्लाह ताला ने बयान करी है वो चीज़ तो कभी गलती से भी, मतलब कभी गलत नहीं हो सकती है. हाँ, इंसान अगर उस हद तक पहुँच जाए जिस हद तक अभी पहुँच चुका है कि उसने 80% तक जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्वेंशन के ज़रिए वो प्रूफ कर दिए हैं कि इट्स राइट. 20% कुछ रहती हैं क्योंकि इंसान की उतनी ताकत नहीं है अभी, इतने सोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है एडवांस कि वो जो और दूसरी चीज़ें हैं उनको मतलब प्रूफ कर सके. तो वो जब इंसान उस लेवल तक पहुंच जाएगा तो वो भी प्रूफ हो जाएंगी. बट कुरान में जो लिखा है ऑब्वियसली वो तो गलत हो ही नहीं सकता. एंड तौहा इब्ने जलील साहब एंड मोहम्मद अली साहब, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर्स हैं. यूथ क्लब में भी इनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ होती हैं, इनके खुद के चैनल पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ कर डालते हैं एंड यूथ को लाइक बताते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. उनकी बड़ी अच्छी थिंकिंग है जिन्होंने भी यूथ क्लब चालू किया, बिकॉज वहाँ पे वो अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छे सीरीज़ भी आते हैं, उनके अच्छे वीडियोज़ भी डालते हैं एंड कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड लेट्स सी कि ये वीडियो में हमें क्या पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. कि अल्लाह ताला ने कैसे बुराक पे, यानी बुराक बर्क से निकले ना, बर्क इज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. बंदा जब ट्रेवल करता है तो टाइम बिकम्स फिजिकल, तो टाइम स्टॉप्स फॉर यू. इवन जब ये लोग, हमने स्पीड ऑफ साउंड तो अचीव की हुई है, ठीक है, जो JF-17 थंडर है, तो नथिंग, ठीक है, अचीव की हुई है. इवन जो मून पे मिशन गया था, ये भी कॉन्स्पिरेसी गया था, ये नहीं गया था, लेकिन जो कहते हैं गया था, उनने अपना टाइम मैच किया दुनिया से. व्हेन दे रीच्ड बैक अर्थ दे वर 3 मिनट्स बिहाइंड द टाइम, ठीक है, दे वर 3 मिनट्स यंगर देन द होल प्लैनेट. व्हेन यू अचीव द स्पीड ऑफ लाइट टाइम बिकम्स फिजिकल. ये खैर इस पर हम कल डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन अलग में सल्लम जब बुराक पे गए और वो इसी ऐसी डायमेंशन में चले गए, अल्लाह ताला ने दिखाया कि अंबिया से मुलाकातें कर रहे हैं और एक ही रात में किस तरह से गए और कहा कैसे कैसे आसमानों पे. हालांकि द फर्स्ट हेवन एज कम्पेयर टू द सेकंड हेवन इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट. एग्जैक्टली. सेकंड एज कम्पेयर टू फिफ्थ, थर्ड, थर्ड टू फिफ्थ. फिजिकली तो आप जा ही नहीं सकते, जा नहीं सकते. तभी तो वो डोर्स खोलना चाहते हैं क्योंकि फिजिकली इसमें आता है ना कि जब अलग में सल्लम पहुंचे तो दरवाजा लॉक होता है और कहते कौन है. सवाल चौकीदार है, पूछते कि अना जिब्रील वहादा मुहम्मदा सवाल सवाल. और ये हर मरने वाले के साथ होता है. बराबर आजम की हदीस जो है ना कि जब वो रूह जाती है ऊपर सबके लिए दरवाजे, सबके दरवाजे खुलते. तो अल्लाह ताला ना फिर वो जो सिदरतुल मुंतहा है ना, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइफ, क्या बात, जहां से तमाम तमाम उमूर वहीं तक जाते हैं और वहीं से नीचे उतरते हैं. यार अल्लाह ताला की जब कभी आप जो सल्तनत है ना उसके बारे में सोचते हैं, अल्लाह का रियल. मैं अभी मेरे भांजा भांजी है ना वो जरा शौकीन है मूवीज के, गॉडजिला मूवी लगाई हुई थी. अच्छा. तो बहरहाल उसमें वो दिखाया कि बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स टाइटंस, तो मैंने वो एक सीन देखा गॉडजिला सामने खड़ा हुआ ह्यूज क्रिएचर. तो मैंने सोचा कि यार जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी ने देखे हों, यानी डर गए और आके खदीजा रिस्तलाना कहते हैं कि जमीलूनी जमीलू मुझे कवर मी कवर मी, कहते हैं कि कुर्सी पर बैठे हुए थे और एक पर कवर कर रहा था ईस्ट को, एक पर कवर कर रहा था वेस्ट को. यकीन जाने अल्लाह भी आपने बात की ना, परसों या तरसों मैं छत पे बैठा हुआ था, वैसे आसमान में देखा था अफ्तारी के टाइम से पहले एंड क्लाउड वाज द स्काई वाज वेरी क्लियर, कुछ क्लाउड से पैटर्न थे. अच्छा मैं फिर ऐसे इमेजिन कर रहा, मैंने कहा जिब्रील सलाम कितने बड़े होंगे, ठीक है. मैंने से दूर तक देखा, मुझे ये G11 G12 के कुछ मकान आता जा रहे हैं. मैंने देखा, मैंने कहा इसको सब कवर करो. मैंने कहा तो G11 G12 है. जिब्रील सलाम जब अपनी असल शेप में आए ना, उनका एक पर होराइजन को कवर कर रहा था, मतलब दुनिया तो छोटी है, कवर कर रहा था. एंड ही वाज सिटिंग ऑन अ थ्रोन and rubies and pearls and jewels were coming out of his exactly. You know feathers. Yeah, one cannot even imagine this now. Prophet sallallahu alaihi wasallam jaisa bahadur insaan agar वहां से डर के आ जाते हैं तो आप सोचें कि हैबत की क्या जो है. वो जो वो तो पहले वो डरे ना जी, फिर जब दूसरी दफा जब उन्होंने देखा असल फॉर्म में, हां ठीक है, तो वो फकाना काबा कौसैन औ अदना,
अच्छा मैंने देखा जब एहसास पांडे मैंने कहा वो मेरी करियर पर शुरू हो जाए नजर कहते हैं फकाना का बकौसे में उधर एक जो एरो है ना उसके बराबर या उससे भी कम वो करीब आ गए लेकिन अल्लाह के रसूल माँ कदब الفؤاد ما راى उनके दिल ने ना झूठ नहीं बोला जिन्होंने देखा सुभान अल्लाह وما ينطق عن الهوى ما زاغ البصر وما طغى ना उनकी आंख ने धोखा खाया ना वो डिल्यूजन में गए मतलब जो अल्लाह के भी ने देखा ना और इवन जब सिद्रतुल मुंतहा पे जब उन्होंने कहा जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आज तक कोई मखलूक इसे ऊपर नहीं गई इवन मलाइका भी नहीं गए इसके बाद आप अकेले ही हैं तो जब वो गए ना तो कहते हैं जो सिद्रतुल मुंतहा पे जो दरख्त था ना कहते हैं वो उसके जो लीव्स थे वो गोल्ड एंड सिल्वर और वो कलर्स चेंज कर रहे थे और उनका जो बेसिकली वो कहते हैं में क्या आता है कहते हैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू कि कैसा था सदम को बोलता और जिब्राइल इस्लाम अल्लाह के सामने ऐसे खड़े थे मतलब हिजाब के पीछे अल्लाह थे जैसे टाट सूख के जो है ना वो हो जाती है यानी हैबत चेक करें अल्लाह की हैबत चेक करें और अल्लाह ताला जब बुलाता है फरिश्तों को आसमान से तो फरिश्ते डर जाते हैं कि तुम्हारा रब बोल रहा है चुप हो जाओ ये हदीस में आता है बहरहाल कमिंग बैक टू द डिस्कशन शेख मैं आप दोनों को बता इसमें लेसन जो है ना हमें जो लर्न किया है मैं यूं तो बता दें कि इवन क़यामत के दिन में ना जब लोग शोर मचा रहे होंगे तूने मुझे गुमराह किया और चीखना चिल्लाना और गालियां देना होगी लेकिन जब वजा रब्बुक वल मलक सफन सफा होगा ना जब मलाइका फिर आ रहे होंगे इवन जब फरिश्ते आएंगे ना जो हामिलतुल अर्श है लोग कहेंगे ये रब आ गया अल्लाह अब ये रब नहीं रब की मखलूक है जब रब आएगा ना तो जब अल्लाह ताला तशरीफ लाएंगे ना शे कुरान में कहते हैं वा खशियतिल अस्वात लिरहमान फला तस्मा इल्ला हमसा अल्लाह अकबर लोगों की ना अस्वात यानी आवाजें पस्त हो जाएंगी फला तस्मा लिरहमान फला तस्मा इल्ला हमसा आपको आवाज नहीं आएगी एक्सेप्ट कदमों की चाप के पर ये यूथ और यही लोग कहते हैं कि व्हाई देयर इज सो मच इविल इन दिस वर्ल्ड जब रब है क्या रब है भी या नहीं है दो चार रिचर्ड डॉकिंस को और सैम हैरिस को पढ़ के तुम अल्लाह का इनकार करना शुरू ये तक हम अल्लाह ताला को खुद एक्सप्लेन कर लेंगे खुद जवाब दे देंगे बी हंबल द रिक्वेस्ट इज द लेसन वी लर्न इज बी हंबल जस्ट ट्रस्ट अल्लाह सुभान व तआला हां ये रिसर्च करें कि इस्लाम हक है और सब कुछ है जब पहुंच गए समेना वातवाना और फिर सबमिट कर जाएं और फिर अपनी जिंदगी गुजार दें और इससे आगे बड़ा रब है जिसकी ये क्वालिटी और ये उसकी मेजेस्टी और जब आप मुंह से कहते हो कि रब है या नहीं है इमेजिन वो सुन रहा है और वो आपके इवन थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स को अगर एक को पकड़ लेना आप यहीं पे गिर जाएंगे ये तो आपके हार्ट को बीट ना होने दे द नेक्स्ट मोमेंट ये बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो था सच में मुझे सच में बहुत अच्छा लगा बिकॉज जिस तरह से उन्होंने डायमेंशंस टाइम फिजिकल टाइम एंड लाइट ऑफ जो टाइम ट्रैवल के बारे में बताया जो बात की उन्होंने एंड आफ्टर दैट जो उन्होंने रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जब वो अल्लाह से मिलने के लिए गए थे एंड वो ख्वाब में गए थे ऑफ कोर्स बट वो असल में गए थे उनको बट ख्वाब आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ एंड सात आसमानों सात सेवन हेवेंस को पार करके वो गए थे वहाँ पे एंड जिब्राइल अलैहि सलाम एंड जिब्राइल अलैहि सलाम इतने उनका मतलब इतने बड़े हैं वो कि तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कोई इंसान एंड उनका एक पर तो मतलब जैसे उन्होंने बोला हॉरिजॉन को छुपा ले मतलब कितनी बड़ी बात है एंड उनके सामने रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी एंड क्या वो मतलब मंजर होगा और उसके बाद जब वो अल्लाह को मिले थे तो वो क्या भाई इट इज़ ऑसम एंड उन्होंने लास्ट में भी सही चीज़ बोली कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अल्लाह है या नहीं है रब है या नहीं है इतने सारे एविल्स हैं दुनिया में पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं है गॉड है या नहीं है लोग बोलते हैं ना तो ये गलत बात है क्योंकि उन्होंने सही बोला है कि अल्लाह आपको सुन रहे हैं आपकी हर एक बात सुन रहे हैं अगर आपके दिमाग में इतने सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स हैं या फिर कुछ भी आपके जिस्म में जो चीज़ें हैं एक वो पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का बेसमेंट में एक टुकड़ा भी काट दिया ना अगर एक सेकेंड में ख़त्म हो जाना है मतलब ये है मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान कि इंसान के अंदर जो बना हुआ वो कैसे बना है हम ये बात कर रहे हैं ये कैसे बात कर रहे हैं सोचने वाली बात है यार ऐसे थोड़ी अपने आप बात कर रहे हैं ये बनाया है हमें किसी ने तभी बात कर रहे हैं एंड इससे ही हमारा जो तवक्कुल है जो विश्वास है वो अटूट होता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था आई होप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।